इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आता है, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और दूसरा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। मैंने दोनों ही मेथड को समझाया था कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में नॉर्मल कैपिटल निकालने के लिए हम लोग दो कैपिटल का यूज करते हैं, एक नॉर्मल कैपिटल और दूसरा एक्चुअल कैपिटल, और जबकि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि आप लोग वीडियो देख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल है इस पर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड पर 15, 16, 17, 18, 19। चलो देखते हैं 15 नंबर के न्यूमेरिकल में क्या है। आप लोग बना करके लाए हैं तो चेक करेंगे, नहीं बना करके लाए हैं तो उतारने वाली बात मत करें, समझ लें फिर बनाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक एस के सिंह की बुक है। एस के सिंह की बुक का पेज नंबर आप 164 देख लो, चैप्टर का नाम है गुडविल। ओके, शुरू करते हैं लोग। एक फर्म की पूंजी 40,000 है। एक फर्म का मतलब बिजनेस, पूरा बिजनेस, बिजनेस फर्म, बिजनेस यूनिट। इसका कैपिटल 40,000 है। इसका मतलब है कि 40,000 रुपया बंदे ने लगा रखा है, बिजनेस के ऑनर ने 40,000 रुपया लगा रखा है, और इसके पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 9,000 रुपया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा, यदि नहीं दे रखा होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, बट आपके इस क्वेश्चन में दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। 3 वर्षों का औसत लाभ, औसत लाभ का मतलब 3 वर्ष का लाभ नहीं, औसत लाभ का मतलब 3 वर्ष से 1 वर्ष का लाभ निकाला गया है, यानी 3 वर्ष के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करके 1 वर्ष का एवरेज प्रॉफिट निकाला गया 9,000। और व्यवसाय में उचित प्रत्यय की दर, इसका मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% मानते हुए कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की गणना करें। जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की गणना करनी है, और आपके क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दे चुका है। एवरेज प्रॉफिट 40,000, सॉरी कैपिटल 40,000, प्रॉफिट 9,000। यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मींस हमने एक्चुअल में जितना कैपिटल लगाया है वो है 40,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर का 9,000, एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 10%। ओके, मैंने कहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट 1 और कैपिटल 2। एक प्रॉफिट मालूम है आपको 9,000, प्रॉफिट 1 और कैपिटल 2। कैपिटल में एक एक्चुअल कैपिटल मालूम है, अब हमको नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, वी कैलकुलेट नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, यानी सॉल्व करेंगे हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं फार्मूला बता चुका था, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 9,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, लाभ का सामान्य 90,000। चलो दो कैपिटल बाहर निकल गया, एक एक्चुअल कैपिटल मींस हमने वास्तव में जितना कैपिटल लगाया,
कितना लाभ कमाने के लिए, 9000 लाभ कमाने के लिए हमने वास्तव में कितना लगाया, 40000। लेकिन इसी 9000 रुपए का लाभ कमाने के लिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, 90000। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग गुडविल बाहर निकालेंगे, और गुडविल बाहर निकालने के लिए फॉर्मूला है गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 90000 और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 40000। 90 माइनस 40 बराबर 50000। सो गुडविल आपका 50000 के रिजल्ट से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चेक करेंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करें। सामान्य प्रत्यय की दर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और पिछले 3 वर्षों का लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट 30000 40000 एंड 50000। देखो मैंने कहा था आपके क्वेश्चन नंबर 16 में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और 3 वर्ष का प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन कह रहा है कि ऊपर जो 30000 रुपए का प्रॉफिट जो देखा उसमें 3000 रुपए का प्रॉफिट वो गैर आवर्ती है। गैर आवर्ती का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग, मींस 3000 रुपया, 30000 रुपया में 3000 वो प्रॉफिट भी शामिल है जो हमारे बिजनेस का नहीं है, जो अदर सोर्सेज का है, जो अन्य स्रोतों का है। बिजनेस के संचालन, बिजनेस के ऑपरेट से वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग। गैर आवर्ती का मतलब क्या, ऐसा प्रॉफिट जो दूसरे सोर्सेज से प्राप्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 30000 रुपए में से 3000 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो 30000 में से 3000 का प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो इसका मतलब है कि जो पहले साल का प्रॉफिट आपको दिख रहा है 30000 रुपया, वो 30000 रुपया ना होकर के वो प्रॉफिट हो जाएगा 27000 रुपया। ठीक। और औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपया दे रखा है, करेक्ट। मीन्स 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 3 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 3 लाख, करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जी निकालना होगा। और एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है सम ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने वर्ष का लाभ दे रखा है उस प्रॉफिट को जोड़ दो और उतने ईयर से डिवाइड कर दो। चलो पहला साल का प्रॉफिट 30000 रुपया था, लेकिन इस 30000 रुपया में से 3000 रुपया गैर आवर्ती है, नॉन ऑपरेटिंग, घटा देंगे 27000। प्लस आप इस 3000 को लास्ट में भी घटा सकते हो। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, दूसरे साल का आपका प्रॉफिट है 40000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है 50000। By 3, not 4, 3 साल का, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल सभी को जोड़ेंगे तो 40, 50, 90 और 9, 3, 12 120000 में से 3000 117000 by 3 काटेंगे इसका निकलेगा शायद 39000। इसको काटोगे तो 39000 मीन्स एवरेज प्रॉफिट निकला 39000। और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट पहले की तरह ही 10% दे रखा है, करेक्ट। अब हम लोग, मैंने कहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रॉफिट एक और कैपिटल दो, प्रॉफिट एक 39000, कैपिटल दो, एक कैपिटल जितना मैंने लगाया 3 लाख और एक कैपिटल जितनी जरूरत है, वास्तव में जितनी जरूरत है वो निकालेंगे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यही होता है, हम 9000 रुपये के बदले में 39000 रुपये प्रॉफिट डालेंगे, 39000 प्रॉफिट डालेंगे
39,000 प्रॉफिट इंटू 100 बाई 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यहां पर हो जाएगा 3,90,000 रुपीज। एक कैपिटल मेरा 3,00,000, दूसरा कैपिटल मेरा 3,90,000, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। अब बोला यही रहेगा 3,90,000 माइनस 3,00,000। 3,90,000 हमारा नॉर्मल कैपिटल, 3,00,000 हमारा एक्चुअल कैपिटल। 3,90,000 माइनस 3,00,000 बराबर कितना, 90,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 90,000 होगा। अब देख लो ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां 3,00,000 है और भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 6,60,000 रुपए अनुमानित है। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्यय 15% है, ख्याति के मूल्य की गणना करें। आपके क्वेश्चन में 60,000 रुपया प्रॉफिट दे रखा है, 3,00,000 रुपया जो नेट टेंगेबल एसेट्स दे रखा है। यदि आपके क्वेश्चन में कैपिटल ना दे रखा हो, यदि आपके क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखा हो, तो नेट टेंगेबल एसेट्स को ही हम लोग कैपिटल कहते हैं, एक्चुअल कैपिटल कहते हैं। ठीक, नेट टेंगेबल एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज घटा हुआ। टेंगेबल का मतलब होता है मूर्त संपत्ति और इनटेंगेबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। तो जितने भी मूर्त संपत्ति है उसमें से यदि करंट लाइबिलिटीज को घटा दो, मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को घटाने के बाद का जो कैपिटल है उसको हम लोग कहते हैं नेट टेंजिबल एसेट्स, शुद्ध मूर्त संपत्ति। और जब कैपिटल ना दिया हुआ रहे तो नेट टेंजिबल एसेट्स को ही आप कैपिटल मान लें। क्वेश्चन नंबर 17 सेम कैपिटलाइजेशन मेथड है और 17 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग यहां पर लिखेंगे नेट टेंजिबल एसेट्स या फिर हम लोग लिख सकते हैं और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 3,00,000। ठीक, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट टेंजिबल एसेट्स कितना है, 3,00,000। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, प्रॉफिट दे रखा है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। प्रॉफिट 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। मैंने कहा था प्रॉफिट एक और कैपिटल दो, एक कैपिटल एक्चुअल और दूसरा कैपिटल नॉर्मल। नॉर्मल कैपिटल बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 60,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। 15 × 60 गुना कर देंगे 4,00,000। एक कैपिटल 3,00,000 और दूसरा कैपिटल 4,00,000। एक कैपिटल 3,00,000 और दूसरा कैपिटल 4,00,000। गुडविल निकालेंगे हम लोग। गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में 4,00,000, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में 3,00,000। 4,00,000 में से 3,00,000 घटा दो, बच गया
1,00,000, यही 1,00,000 रुपया आपका है। चेक कर लीजिए आपको, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, फर्म का एवरेज प्रॉफिट 72,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है और आपके इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखा है, कैपिटल हम लोग निकालेंगे। शुरू में ही मैंने फार्मूला लिखा था कि कैपिटल यदि आपके क्वेश्चन में ना दिया हुआ है तो आप टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटा दें, टोटल लायबिलिटीज में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटा दें। टोटल एसेट्स है आपका 8,00,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 3,20,000। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल कैपिटल नहीं दे रखा है, सॉरी एक्चुअल कैपिटल, मैंने जितना कैपिटल लगाया वो नहीं दे रखा है, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल है। टोटल एसेट्स है 8,00,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 3,20,000। 8,00,000 में से 3,20,000 घटा दो तो 4,80,000 होता है, करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की सहायता से नॉर्मल कैपिटल निकाल लेंगे और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ बराबर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, 12×72 6,00,000। ठीक, एक कैपिटल आपका निकला 4,80,000 और दूसरा कैपिटल निकला 6,00,000। गुडविल बराबर सेम वही फॉर्मूला पहले वाला, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल है 6,00,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 4,80,000 2,20,000 रुपया आपका। एक बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कभी भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, कैपिटलाइजेशन मेथड में लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, 6 में से 4 में 2, सॉरी 1,20,000 रुपये, 1,20,000। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि गुडविल निकालते समय, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते समय हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट
नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से एक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाते हैं। इसका मतलब है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो कैपिटल चाहिए ही चाहिए, एक कैपिटल जो नॉर्मली जिसकी जरूरत होती है और एक कैपिटल वास्तव में जितना हम लगाते हैं। तो नॉर्मल कैपिटल हमेशा ज्यादा होता है और एक्चुअल कैपिटल हमेशा कम होता है जब हमारे मार्केट में गुडविल अधिक हो तब। क्लियर है? हम लोग 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फिलहाल आप लोग 18 नंबर का क्वेश्चन चेक कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 और 19 जो है वो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि मीन सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। जो मैंने लास्ट में बताया था सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा और सुपर प्रॉफिट के लिए कैपिटल एक और प्रॉफिट मिटा दें इसको। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए इस फार्मूला की आवश्यकता होती है। मींस गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। करेक्ट? नहीं, हमारे पास सुपर प्रॉफिट है और शायद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, सुपर प्रॉफिट नहीं है। और सुपर प्रॉफिट हमें निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो प्रकार की प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोग नीचे से थोड़ा सा ऊपर समझाने के लिए बना रहे हैं, बट ऐसे बनेगा नहीं, बनेगा शुरू से अंत तक, टॉप टू बॉटम। बट हम लोग थोड़ा सा बॉटम टू टॉप कर रहे हैं, चूंकि इसलिए कि थोड़ा समझ में आए मेरे को गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बट मेरे को सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं है। हम लोग सुपर प्रॉफिट मालूम करेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट अधिक होती है और नॉर्मल प्रॉफिट कम होती है। मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाया जाता है। अब एक्चुअल प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, दो साझेदार है और फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपया है। मीन्स कैपिटल 5 लाख है। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एक और प्रॉफिट दो चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल 5 लाख, कैपिटल एक और प्रॉफिट 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो कैपिटल से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, कैपिटल और नॉर्मल रेट से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 5 लाख रुपया का 10% प्रॉफिट बराबर कितना? 50,000 रुपये। ये नॉर्मल प्रॉफिट में होगा। सुपर प्रॉफिट में कैपिटल एक और प्रॉफिट दो होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है। आपको एवरेज प्रॉफिट दे तो रखा है बट नेट नहीं है। आपके क्वेश्चन में 80,000 रुपया 10 साल का औसत लाभ
मींस 10 साल के लाभ को जोड़ करके 10 से डिवाइड करके औसत लाभ दे चुका है 80,000 दे चुका है, लेकिन साझेदारों को पारिश्रमिक देना बाकी है। मींस ये जो प्रॉफिट हुआ वास्तव में इतना ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी तक साझेदार जो थे तेवर भी उसके प्रॉफिट को इसमें से नहीं घटाया गया है, मींस प्रॉफिट नहीं दिया गया है। और एक साझेदार का वेतन 8,000 तो दो साझेदार का वेतन 16,000, 80,000 रुपया में से वेतन घटा, 80,000 रुपया में से वेतन घटा 16,000 तो हो जाएगा आपका 64,000 रुपये, यानी एवरेज प्रॉफिट निकला 64,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकला 50,000। अब आराम से नॉर्मल और एवरेज निकल चुका है, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, यानी 64,000 माइनस 50,000 बराबर कितना है 14,000 रुपये सुपर प्रॉफिट निकल गया, मतलब 14,000 रुपया। जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल आराम से निकलेगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 मीन्स 14,000 × 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% 40,000। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है, बीच में जगह गैप छूट गया वो थोड़ा सा नीचे से ऊपर हम लोग लेंगे, इसके कारण से आपको जगह नहीं छोड़ना है, आप क्वेश्चन शुरू से ही बनाएंगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में हम लोग हिंट्स कर देते हैं, नेक्स्ट डे आपको बनाना, आप लोग बना करके लेते आएंगे, नेक्स्ट डे का जो वीडियो प्ले होगा वो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 होगा, 20 से लेकर के हम लोग 27 तक क्वेश्चन चेक करेंगे। बट आज देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का, आपको हम हिंट्स कर दे रहे हैं, आप लोग बना करके लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ही सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20 सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए आपको दो प्रॉफिट चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक, आपके क्वेश्चन में 3 साल या 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, आप 4 साल के प्रॉफिट से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, और 1,20,000 कैपिटल है, 10% प्रॉफिट है तो आराम से निकल सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 बनाने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्वेश्चन नंबर 20 बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला नंबर